Hello everyone and welcome to Buy Its Own Interviews. Today we have with us a man of many talents, Akshay Singh Ranawat from Indore, who is a professional singer, a professional musician and is also an animator. And as I said before, unke bahut hi zyada talents hain, lekin unhone bahut jobs bhi reject kiye because of his love for music. So let's see, let's talk to him about his love for music and all the other things that he does. And let's get to know him more through this interview. Hi, Akshay. Welcome to Buy Its Own. Thank you so much. Most welcome. We are so excited to have you and talk to you today. So let's jump right in. My first question to you is, how did it all start? How did this passion and love for music begin? Matlab, क्या स्कूल में हुआ, ये चाइल्डहुड से था कि यू नो ओवर द टाइम इट हैपेंड? टेल अस अबाउट इट. सी, मुझे शौक तो 7th क्लास से था. ओके. स्कूल के एनुअल फंक्शंस में आई यूज्ड टू परफॉर्म. सो और जैसे मैं परफेक्टली इनटू म्यूजिक आया हूँ आफ्टर 2014. ओके. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग गिटार. उसके बाद मेरा एनिमेशन एंड म्यूजिक दोनों एकदम पैरेलल स्टार्ट हुआ था. देन मेरा बीएससी कंप्लीट करते करते इन एनिमेशन, तो मेरे को म्यूजिक में फिर ज्यादा इंटरेस्ट आया. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएससी मैंने मेरा पूरा टाइम म्यूजिक को दिया. सो पहले मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया. देन आई यूज्ड टू लर्न बेसिक वोकल्स, लाइक बेसिक वोकल क्लासेस मैं लेता था, नॉट प्रोफेशनल क्लासिकल क्लासेस. एंड मुझे लाइव शोज में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने लोकल, मतलब यहाँ पर जो बैंड्स थे उनके साथ में बैठना स्टार्ट करा. आई यूज्ड टू हैव प्रैक्टिस विद देम. एंड मैंने उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट की कि आप मुझे प्लीज लाइव शो में लेके जाया करो और मैं आप लोगों को असिस्ट कर दूंगा जो भी आपको हेल्प लगेगी, बट मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उस स्टेज का चाहिए. धीरे धीरे करके स्टेज फेयर खत्म हुआ एंड साथ ही कोर्स भी कंप्लीट हो गया, डिग्री भी मिल गया. लेकिन फिर मैंने फुल फ्लेज ये प्लान किया कि हाँ, मुझे लाइव शोज में ही जाना है. सो एनिमेशन को मैं बैकग्राउंड में रख लेता हूँ अभी. सो मेरा उसमें एक ही फोर्टे था. यस, एज अ बैकअप प्लान. सो मेरा जो एनिमेशन फील्ड में जो फोर्टे था वो था वीडियो एडिटिंग प्लस 3D मॉडलर. मेरा 3D बहुत अच्छा है जी, बट अभी नहीं. अभी आई यूज्ड टू डू ओनली वीडियो एडिटिंग. ओके. सो या, और अभी जैसे कोविड चल रहा है तो सभी को पता है कि मुश्किल है और क्लब्स वगैरह सब बंद है. धीरे धीरे करके मतलब ये जर्नी मेरी हुई थी. मैंने मतलब इंदौर में, इंदौर के आसपास और बहुत अच्छे नोन लोगों से सीखा है, जो मतलब इंडस्ट्री में जो अच्छे से जुड़े हुए हैं. और बस यही है, धीरे धीरे करके मैं चलता गया. ओके. आपकी फैमिली में कोई है आर्टिस्ट या म्यूजिक? नहीं, मेरी फैमिली में सभी प्राइवेट प्रोफेशन है सबका. मम्मा एंड पापा यूज्ड टू वर्क इन द एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल. एंड मेरे जो भैया हैं, बड़े भैया, ही इज इन द होटल इंडस्ट्री. ओके. मैं भाभी आल्सो वर्क्स इन स्कूल. बस मैं ही ऐसा हूँ जो क्रिएटिव फील्ड में आया हूँ. तो मतलब what do they feel about it? वो मतलब उनका रिएक्शन कैसा था जब आपने कहा कि यू नो मुझे एनिमेशन में नहीं जाना है? बट उनका 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 रिएक्शन ऐसा था कि वो लोग तो चिढ़े हुए थे बहुत. उनको म्यूजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये वो चाहते थे एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है आप कुछ तो करो. तो मैंने उनको यही बोला कि मैं अभी इसको बैकअप में रखना चाहता हूँ. और बस धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद मैं ये चाहता था कि घर वालों को ऐसा ना लगे कि म्यूजिक अगर मैं कर रहा हूँ तो ये प्रोफेशन, उनको ऐसा ना लगे कि ये वर्दी नहीं है. तो भाई आई स्टार्टेड अप्रोचिंग द प्रोफेशनल बैंड्स. और उसके बाद में धीरे धीरे करके मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे को ये करना ही है, करना ही है. और फ्राइडे टू सैटरडे, सैटरडे नाइट टू संडे मॉर्निंग में रात भर प्रैक्टिस करता था हॉल में. घर वालों को डिस्टर्ब होता था बट वो मेरे को रोकने नहीं आते थे. मतलब कहीं ना कहीं उनको मन में था कि हाँ, ये कुछ ना कुछ कर लेगा बस. और जैसे जैसे करके पीक मिलने लगा तो घर वाले भी हाँ, वो होने लग गए थे इंसिस्ट इस बारे में कि हाँ. और वो लोग खुद भी बोलते थे कि ये हमारे स्कूल के सर हैं, इनको बताना आपके शोज करता है एंड ऑल. तो धीरे धीरे करके मान गए वो. राइट, एब्सोल्युटली. दैट लीड्स मी टू माय सेकंड क्वेश्चन, माय थर्ड क्वेश्चन, दैट इज नाउ जब हम करियर को देखते हैं तब हम ऐसे नहीं देखते कि यार मेरा बच्चा एक्टर बनेगा या मेरा बच्चा सिंगर बनेगा. सब बोलते हैं कि मेनस्ट्रीम जो प्रोफेशन होते हैं. तो
व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि आप खुद ही एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन हैं, तो आपको क्यों लगता है ये स्टिग्मा क्यों अटैच्ड है कि यू नो बच्चे को इंजीनियर ही बनना चाहिए, या कोई ऐसा क्यों नहीं बोलता कि यार बच्चे को सिंगर बनाओ अगर टैलेंट है तो? ये मतलब इसका आंसर जो ये परस्यू करना चाहता है ना, ये एक्चुअल में उसके पास ही होता है. सपोज अगर मेरे घर में सब डॉक्टर्स होते तो वो ऑब्वियसली बात है कि मुझे इंसिस्ट करते कि यू हैव टू बी अ डॉक्टर. बट ये जंग मुझे लड़नी है. अगर मुझे कोई पॉजिटिव वे में समझा सकता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो वो उसके घर वाले के अगेंस्ट जा सकता है ना पॉजिटिव मैनर. मुझे मेरे घर वाले बहुत सीधे हैं, उनको उनको नहीं पता है कि कैसा मतलब एक प्रॉपर करियर की प्लानिंग क्या होती है. अब उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा है, तो मेरे को ये समझ में आता है कि हाँ अगर मैं अगर म्यूजिक करना चाह रहा हूँ, उसके अदर हैंड मुझे उनकी भी कहीं ना कहीं सुनना जरूरी है, क्योंकि वो गलत नहीं बोल रहे हैं. वही ख्यालात की बात होती है. कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हाँ बिल्कुल इजी टू गो होता है कि हाँ आप करो, आपको ये करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जिन्होंने पहले से वो चीज देखी है कि उनको कुछ और चूज करने में फेलियर मिलता है, तो वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा अगर ये चूज करेगा तो उसको भी फेलियर मिले. ये बहुत सही बात कही आपने. एब्सोल्युटली. आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है आपके म्यूजिकल जर्नी में, लाइक एनीवन यू लुक अप टू, यू एडमायर? एज लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे इंस्पिरेशन कोई म्यूजिक आइडल को ही देख के मिली है. मेरे को इंस्पिरेशन मिली है मेरे मम्मी पापा से ही. मतलब ऐसा मेरे जो आइडल है वो है सोनू निगम. बट मैं जैसे एक पीरियड होता है ना हर किसी की लाइफ में होता है कि वो स्ट्रगल होता है, वो उसको बोला जाता है कि यू आर अ स्ट्रगलर. तो सेम वही मैं मेरे पापा मम्मी को देख के यही सोचता हूँ कि ये ऐसी लाइफ जी ली तो बढ़िया है अपना. तो वो ही आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन? यस 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 यस. बाकी तो आई यूज्ड टू फॉलो सम म्यूजिशियंस, मतलब जिनको मैं पसंद करता हूँ. हाँ सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आपने ये बोला है कि आप परफॉर्म, यू लव लाइव परफॉर्मेंसेस, कॉन्सर्ट्स. यस 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 यस. कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट फीलिंग व्हेन यू आर ऑन स्टेज? बिकॉज़ आई डोंट नो, आई फील इट इज inexplicable. आप explain नहीं कर पाते, but what is that thing that draws you so much to that stage? Like, what is the feeling when you're on stage and when people are listening to your music, grooving to it? Can you tell us something about your experience? शुरू में ना मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं पहले किसी के साथ में एज ए लीड काम नहीं करता था. सो मेरा जैसे एज ए परफॉर्मर मेरा जो मेन वर्क है, मेरे प्राइवेट कॉन्टेक्ट ज्यादा अच्छे हैं. Like private parties, I used to perform more in private parties other than on the public events or clubs. But after COVID or after some times, मतलब COVID के पहले भी और COVID के बाद भी मेरे को ये realize हुआ कि जैसे जैसे मैं lead में आने लगा, मैंने खुद के band पे काम करना चालू करा. मतलब मेरे साथ में ऐसा कुछ foundation नहीं है कि ये drummer है तो इसको सिर्फ मेरे साथ ही काम करना है, या ये pianist है तो ये मेरे साथ ही काम करना चाहिए. तो जैसे मेरा जो forte है मैंने उसको पकड़ा. मैं हम लोगों ने प्रिपेयर किया है डांसिंग नंबर्स, और मतलब वही है कि ये एक बार स्टेज पे चढ़ना है तो हमको 100% देके उतरना है. उसके बाद ऊपर वाला जाने और जिसने हमको सुना है वो जाने. और मतलब लेकिन वो फीलिंग क्या आती है वो जब आप स्टेज पे होते हो? फीलिंग तो ऐसी आती है, मतलब लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि बस इसके आगे कुछ नहीं है, ये लाइव शो है, बस इसी में रहना है. मैंने बताया ना मेरे को लाइव शो में इंटरेस्ट बाकी सिंगर्स को देख देख के ही आया है. जैसे इंदौर में होते थे कॉन्सर्ट्स, लोकल बैंड्स के होते थे, बाकी म्यूजिशियंस के होते थे, अरिजीत के, आतिफ के, सोनू निगम के. ओके. आपकी, आप खुद भी एक बैंड में हैं? जी. ओके. और आप परफॉर्म करते हैं, आप यॉल ट्रैवल? और मैंने देखा था 5 वीक्स अगो आपकी उदयपुर में फोर्ट पे एक परफॉर्मेंस थी. तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? मतलब वो कैसे हुआ, थ्रू कॉन्टैक्ट? नहीं, एक्चुअल में द थिंग इज उदयपुर में गया था फॉर अ टूर, लाइक ऐसे घूमने गया था. हाँ. जी. और मैं जब भी इंदौर से बाहर जाता हूँ, आई यूज टू कैरी माय गिटार. कार में गिटार रखा हुआ था, और मैंने देखा वहाँ सज्जनगढ़ फोर्ट पे अच्छी खासी भीड़, अच्छा खासा क्राउड है. प्रीवियस ईयर भी यही हुआ था, मैं गिटार लेके गया था बट मेरा गला ठीक नहीं था तो मैंने कोई चांस नहीं लिया वहां पर परफॉर्म करने का. तो मैंने सोचा ये सही टाइम है, मैं सबको मतलब सबसे इंटरेक्ट करता हूँ, उसके बाद में सबको जमा करता हूँ, देन परफॉर्म करता हूँ सबके लिए ऐसे ही. बट
मतलब उस टाइम तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ऐसे सोलो परफॉर्म करना कहीं दूसरी सिटी में कोई और फोर्ट पे भीड़ वाली कोविड के कंडीशन में और नॉर्मल डेज में किसी क्लब में परफॉर्म करना, इंटरेक्ट करना, सबको नचाना, वो एक अलग सीन होता है। तो मैंने सोचा बस अपन गिटार निकालते हैं। और पहले तो मैं वॉल के पास में नीचे बैठा था, मैं रुका तो कुछ लोगों ने ताली बजाई, फिर मैंने मेरा गिटार का स्ट्रैप निकाला एंड मैं सेंटर में जाके खड़ा हो गया। मैंने इंटरेक्ट किया देन सब लोग फॉरवर्ड आ गए बस, और फिर जो है वो आपने देखा ही है। यस डेफिनेटली. लेकिन मतलब लोगों ने रिएक्ट कैसे किया, क्योंकि ऐसे लगता लोगों है का हॉलिडे रिएक्ट पे आए हैं. लोगों का हाँ यस यस लोगों का रिएक्शन मुझे डायरेक्ट सुनने में तो नहीं आया, ओके मैंने सिर्फ लोगों के फोन देखे और उनकी तालियां देखी। क्योंकि मैं जब भी गाता हूँ मैं मेरी आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं मेरी आंखें बंद करके ऊपर वाले को याद करता हूँ कि बस ये मेरे को ये अच्छा लग रहा है, इसको आप कंटिन्यू रखना। बट मेरे फ्रेंड्स जैसे बाकी बैठे थे सब आसपास, और कुछ लोग टाइमलेस बना रहे थे मेरे फ्रेंड्स, हाँ और कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनको ये सुनने में आ रहा था कि इसने दिन बना दिया आज हमारा। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आई एम श्योर उनको भी ऐसी ही फीलिंग आई होगी. और जैसे बीच में कुछ आंटी आके बोल रहे थे कि आपको इंडियन आइडल में जाना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, और ऐसा वैसा, तो सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, मजा आ रहा था सबको। राइट, आप डांसर भी हैं? यस मतलब मैंने किया है प्रिपेयर इंडियाज गॉट ओके टैलेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। इंदौर का जो लीडिंग डांस ग्रुप था वोल्केनो डांस अकेडमी, मैं ओके. उसका मेंबर था, एंड आई फिर यूज्ड टू टीच जुम्बा आल्सो। used to teach Zumba. Oh, I thought used to learn यस Zumba. As I आई यूज्ड said, टू he's a man टीच of many जुम्बा आल्सो। talents. What happened? You said you were part of Volcano group. The जी आफ्टर स्कूल बिफोर माय एनिमेशन करियर एंड इन द मिडल ऑफ म्यूजिक। oh, wow. मतलब एक से एक हर कुछ कुछ रहा है. यस बट बट जो जो भी जितना भी फेस रहा है ना वो बहुत अच्छा रहा है। राइट और जो भी टाइमलाइन दिख रहा है उसमें दिख ही रहा है कि आप एक परफॉर्मर हो. मतलब आपको क्रिएटिव चीजें करना ज्यादा पसंद है, जैसे यस आप स्केचिंग यस भी करते हैं. यस यस वो मेरे तो है. मेन अच्छा मेरे मेन हॉल में गणेश जी का मैंने एक चारकोल आर्टवर्क लगाया हुआ है, वो मैंने ही बनाया है। स्केचिंग आप ऐसे सिर्फ एज अ पैशन, एज अ हॉबी करते हैं या यू आल्सो मोनेटाइज इट? मतलब आप पेंटिंग. नहीं उसको उसको अभी पैशन एज ए हॉबी ही मैं रखता हूँ, क्योंकि अभी आई एम वर्किंग ऑन माय ओन सॉन्ग्स, जिसमें से मैंने दो सॉन्ग्स पूरे कंप्लीटली लिख लिए और एक सॉन्ग का उसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट ऑलमोस्ट हो गया है, ओके बट ड्यू टू दिस सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग स्लोली स्लोली ही चल रहे हैं। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप म्यूजिक भी टीच करते हैं हाँ जी मैं मेरे स्टूडेंट्स? घर पे गिटार की क्लासेस लेता हूँ, ओके और बिफोर कोविड मैंने एक प्लेस लिया था रेंट पे, वहां पर मैंने गिटार एंड सिंथेसाइजर की क्लासेस स्टार्ट की थी। मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लाइक पूरे समर्स मेरे पास 25 स्टूडेंट्स थे, ओके और उसके बाद मतलब एवरी सैटरडे और संडे हम लोग वहां पर एक जैम सेशंस रखते थे, वहां पर सारे म्यूजिशियंस आके प्रैक्टिस करते थे, जैम करते थे, लाइव जाते थे इंस्टाग्राम पे, इंदौर के लोकल पेजेस जो रन करते हैं जिनकी अच्छी इंगेजमेंट है वो भी आके लाइव जाते थे हमारे क्लास पे। और उसके बाद फिर मैंने कोविड के पहले क्लासेस को क्लोज कर दिया, क्योंकि समर्स के बाद जब बच्चों के स्कूल ओपन होते तो मेरे पास बच्चों का मतलब आना जाना कम हो गया था। और लेकिन कोविड ने ये कैसा कैसे बदला है, यू नो, बिकॉज अभी आप फिजिकल क्लासेस तो नहीं ले सकते हो, लेकिन आप ऑनलाइन भी नहीं ले क्लासेस सकता लेते हैं. ऑनलाइन बहुत रेयर हो पाता है, क्योंकि होता क्या है जैसे अभी तो 5 बच्चे घर पे आ रहे हैं, वन एट ए टाइम आ रहा है प्रॉपर, और राइट ओके जैसे अभी भी बच्चे आ जैसे रहे हैं. ओके जी अभी तो घर पे आ रहे हैं बच्चे, और जैसे जो रूल फॉलो किया जाता है उसी अकॉर्डिंग मैं उनको पढ़ाता हूँ। मास्क पहन के रहते हैं और 2-2 फीट 3-3 फीट दूर बैठते हैं, आने जाने के बाद मैं पूरा हॉल पूरा सोफा जो है वो सैनिटाइज करता हूँ। होता क्या है जो मैं उनको लाइव सिखाते टाइम जो मैं उनको बार बार ऐसे नहीं बोलते, टोकना पड़ता है कि ये मत करो ये मत करो ये मत करो, वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट वो भी है जी. प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो ऑनलाइन नहीं है। और ओके ऑनलाइन की एक प्रॉब्लम है कि कैमरा इशू बहुत ज्यादा होता है, जैसे सामने देखने में अलग होता है, कैमरे में देखने पे वो मिरर हो जाता है। जी जी वो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम ही है जो हम सब फेस करते हैं शायद. राइट लेकिन व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट टीचिंग दैट यू लव सो मच, यू नो, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ इज डे कि हाँ यार आज और वापस बच्चों को सिखाना है?
क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है, आप खुद सीखे हैं और अभी आप दूसरों को यस सिखा रहे हैं, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू एंजॉय अबाउट टीचिंग? जब मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया था तो जिस क्लासेस में मैं जाता था मेरे वो जो सर हैं पहले सर हिज नेम इज धीरज मसीह एंड सर से मैंने एक्सपीरियंसेस बहुत लिए हैं शोज के क्लास के म्यूजिक कैसे बनता है कैसे इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं। लेकिन जब मैंने गिटार सीखना स्टार्ट करा था तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने पर्सनली बैठ के और ऐसे गिटार सिखाया हो। पांच बच्चे बैठे रहते थे मैं बैठता था सर बोलते थे इसको ये बता दो मैं उसको पूछ के और ये सीखना स्टार्ट किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे इंदौर में और जहां पर भी लोग ऐसी क्लासेस लेते हैं तो वन ऑन वन ध्यान हर कोई नहीं देता है और मन से नहीं सिखाता है कोई। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि जो मैंने फेस किया है वो बाकी सब भी फेस करें। पीपल यूज टू स्ट्रेच द बेसिक लेसन्स और वो सिर्फ फीस के चक्कर में लेसन स्ट्रेच करते जाते हैं स्ट्रेच करते जाते हैं। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। 2 महीने के अंदर बेसिक गिटार सिखा के खत्म करो मेरा ये है। गिटार के अलावा कोई और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं कि ओनली गिटार? गिटार तो मेजर है ही उसके अलावा आई यूज टू प्ले कॉर्ड्स ऑन सिंथेसाइजर। वाह वाह, दैट इज रियली अमेजिंग. मतलब ये खुद भी आपकी जर्नी में ग्रोथ जैसा है कि आपने पहले गिटार जी किया जी और आज मतलब बहुत आप यहाँ तक हैं. लेकिन ये पूरे पैंडेमिक की सिचुएशन में, अगर हम पैंडेमिक के बारे में बात करें, पूरा लॉकडाउन का सिचुएशन, हाउ डू यू लुक एट योर करियर बिफोर एंड आफ्टर द पैंडेमिक? मतलब क्या चेंजेस आए हैं आपके खुद के करियर में और क्या डिफिकल्टीज आए हैं? बिफोर पैंडेमिक मेरा जो 2020 है 2020 बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था मुझे पीक मिल रहा था उस टाइम पे। आपने एक बैंड का नाम सुना होगा यूफोरिया बैंड। तो यूफोरिया बैंड के एक्स मेंबर्स ने अभी एक नया बैंड फॉर्म किया है एका म्यूजिक और मेरा 2020 मैंने उनके बैंड के लिए ओपनिंग करके स्टार्ट किया था। मेरी प्रोफाइल पे वीडियोस भी है यू कैन वॉच। तो मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला सभी जो आर्टिस्ट हैं एका म्यूजिक के। इवन उनसे प्रॉपरली टच में हूँ मैं उनको मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स और प्राइवेट वर्क ज्यादा रहता था प्राइवेट पार्टीज और किसी ने मुझसे डायरेक्टली अप्रोच करके मुझसे काम करवाया है। बट आफ्टर पैंडेमिक ऐसा नहीं हो रहा था तो मुझे सामने से अप्रोच करने जाना पड़ा क्लब्स में एंड कैफेज में रेस्टोरेंट्स में गार्डन्स में और प्राइवेट इवेंट प्लानर्स जो हैं मैंने उनको एक प्रॉपर मेरा प्रोफाइल या पोर्टफोलियो जो भी आप बोल सकते हैं वो बना के मैंने उनको सेंड किया। कॉल करके कहा कि कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे बताना जो बेस्ट पॉसिबल होगा अपन कर लेंगे। इवन लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी मैंने लोगों के फ्लैट्स में जाके प्राइवेट गिग्स की है क्योंकि उनको ऐसा पता है कि हाँ मार्केट में ही इज द सिंगर जो ऐसा आके और करके चला जाता है। तो 15 और 20 लोगों का गेट टुगेदर हुआ फ्लैट में या किसी टाउनशिप में तो उन्होंने मुझे बुलाया। उस टाइम तक भी अच्छा था और कोविड से धीरे 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 हम लोग आगे जा रहे थे बट अगेन वही सिचुएशन है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस घर पे बैठे हैं, आपने एक्चुअली, आप जितना बोल रहे हैं, आपने एटलीस्ट काम भी किया है, शायद एक दो यस लोगों के लिए भी हो. आई थिंक दैट इज ऑल्सो रियली यस ग्रेट कि आपने ऐसा नहीं देखा कि ये डाउनसाइड है, बट आपने काम ढूंढा, यस मतलब यू यस क्रिएटेड दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, यस सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट. इज देयर एनी एडवाइस जो आपको मिली है जो आप हमेशा, मतलब यू नो, वो आपको बहुत मोटिवेट करता है? कंसिस्टेंसी। अगर आप एक काम कर रहे हो ना तो आप उसको कंसिस्टेंसी से करो और धीरे धीरे उसको उसके थ्रू दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करो अप्लाई करो। मतलब यही है उसको नहीं छोड़ोगे आप तो दो नाव में एक साथ पैर नहीं रखना है आपको। तो राइट राइट एब्सोल्युटली. उससे राइट जैसे अभी मैं हूं या मेरे जैसे और भी लोग हैं मुझसे अच्छे और भी आर्टिस्ट हैं इन इंदौर जिन डेफिनेटली लोगों के साथ में मैं बैठता हूँ और मेरे को उनसे बहुत सीखने को मिलता है। बट सिचुएशन और किस्मत और ऑरा किसी किसी का ऐसा होता है कि उन लोगों के पास कभी कभी काम नहीं होता मेरे पास काम होता है या मेरे पास कभी कभी काम नहीं होता उन लोगों के पास होता है या उनके पास टीम नहीं होती है। तो तो बहुत ही ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि किसकी, मतलब सबकी जर्नी यस अलग होती है. यस 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 अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। राइट मैंने तो एब्सोल्युटली कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी जानी है। इवन अभी तो सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है राइट राइट. हमने देखा है तो मैंने आपको. सोचा नहीं था कि मैं घर से गिटार क्लास लूंगा। मैंने ये नहीं सोचा था एक्चुअल में। घर पे आके कोई गिटार सीखता है तो थोड़ा सा कभी कभी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है जी घर की या ऐसा। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं लूंगा क्लासेस बट
अब सिचुएशन ऐसी है और मेरे पास टाइम है घर पे, तो मैं दे रहा हूँ टाइम गिटार सिखाने में। ओके okay. और आप काफी एक्टिव भी थे लॉकडाउन के टाइम पे, आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस और हाँ जी बहुत सारे, क्योंकि वही टाइम था कि मैं अगर नहीं अगर कुछ पोस्ट करता, क्योंकि अभी हम लोगों के लिए सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो इजीली हमको कुछ भी बना सकता है, या तो डाउनफॉल दे देगा या अपवर्ड्स हमको बढ़ा देगा। यस एब्सोल्युटली, एक गाना हो जाए हमको भी सुनना है कि जरूर 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 यार है आपका म्यूजिक का, एक गाना हो जाए, क्या गाने वाले आप हमारे लिए? अब एक ओल्ड सॉन्ग है, मैं पानी पी लूं? हाँ हाँ पानी पी लूं। एक ओल्ड सॉन्ग है, नुसरत साहब का गाना है ये, और इसको बॉलीवुड में भी यूज किया गया है, जो उदित दा ने गाया था। उदित दा ने गाया इसको, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, द ओरिजिनल इज किन्ना सोना। किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवा, प्यार तेरा ए जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी, प्यार तेरा ए जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी, तेन दिल वल शीशे च वसाया, तेन दिल वल शीशे च वसाया, दिल करे वेखदा रवा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवा, हर बिन मोहे चैन नावे, धक 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 मारा जी घबरावे, बोले बसुरिया सुन ले सांवरिया, बोले बसुरिया सुन ले सांवरिया, थारे बिना मोए कुछ नहीं भावे, प्यारे 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 प्यारे, थारे बिना लग नहीं मारा जी आ रे हो, थारे बिना लग नहीं मारा जी आ रे। Wow, wow. Thank you. It was amazing. मतलब इतना अच्छा लगा सुन के, इतना refresh हो गई हूँ मैं सुन के सच में. You really are very talented. So thank you for that. आप कितने घंटे practice करते हैं रोज on a daily basis? अभी तो मैं रात में सिर्फ 2 घंटा practice करता हूँ, वो भी ऐसा कि जैसे मैं video record करता हूँ, तो वो practice मेरी कैसे होती है, मैं video record करता हूँ तो मेरे पास अभी भी उसका एक स्क्रीनशॉट है, 46 वीडियोस मैंने डिलीट किए थे, उसके बाद 47th मेरा वीडियो सही बना था। ओके तो ऐसा होता है, तो ये प्रैक्टिस ही होती है, ये प्रैक्टिस ही होती है जो आप YouTube पे भी अपलोड करते हैं, मतलब मैं ऐसे स्टोरीज पे डाल देता हूँ कि ये ऐसा ऐसा होता है। आप क्या बोल रहे थे, गिटार आपको ट्रेन करता है? गिटार आपको ट्रेन करता है परफॉर्म करने के लिए, है ना, और क्लासिकल जो होता है वो आपको ट्रेन करता है आपकी वोकल क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, ऐसा होता है। तो मैं दोनों चीजों को बैलेंस करके करता हूँ, अभी उतना नहीं करता क्योंकि बाकी चीजों पे भी मैं काम करता हूँ, जैसे मेरे को लिखना बहुत पसंद है, सो अभी मेरा सॉन्ग मैं उस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर मैं सॉन्ग बना के अगर इसको मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ तो ये बस भीड़ में गुम ना हो जाए, अगर ये मेरा सॉन्ग है इसको कोई भी बड़ा सिंगर आज गा देगा तो ये सॉन्ग फेमस हो जाएगा, पक्की बात है, लेकिन अगर इसी सॉन्ग को मैं करूंगा वो हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट, लेकिन आई थिंक जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया है आज हमारे पास, वो इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि अगर आप में टैलेंट है और वो रिकॉग्नाइज हो गया, शायद एक दो लोगों ने भी देखा, तो यू हैव द चांस टू एक्चुअली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग होंगे जो हमें देख रहे होंगे, मे बी सम पीपल वॉन्ट टू परस्यू म्यूजिक एज देयर करियर,
तो आपके कुछ आपने जो भी सीखा है अभी तक कुछ टिप्स या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो शायद उनको मोटिवेट करे जरूर। पहले तो ये, अगर अभी कोई बिल्कुल फ्रेशली इनटू म्यूजिक आना चाहता है तो उसको एक चीज तो सबसे पहले माइंड में रखनी चाहिए कि वो लेट है। ये एक नेगेटिव बात नहीं है, ये मतलब है आप लेट हो, मतलब ऑब्वियसली बात है न्यू जनरेशन के लिए तो यही टाइम है ना। तो उनको ये डिसाइड करना है, जैसे म्यूजिक भी बहुत वास्ट है, उसमें प्रोडक्शन है, उसमें बैकलाइनिंग है, उसमें आर्टिस्ट की सीक्वेंस होती है, उसमें एक आर्टिस्ट को असिस्ट करना है, उसमें क्रू की जॉब होती है, उसमें मतलब बहुत सारी। अगर आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना होता है तो आपको सिर्फ म्यूजिक में ना सिर्फ सिर्फ टाइम देना पड़ता है मन से। अगर आपके मन में रहेगा ना जरा सा भी, अगर आपके मन में खोट है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। सो आपको आपको टारगेट करना पड़ेगा किसी ना किसी स्ट्रीम में, किसी ना किसी स्ट्रीम के अंदर किसी स्पेशल पर्सन को जो आपको कहीं तक पहुंचा सकता है। आपको एक लिंक जरूर मिलती है लाइफ में, एक बार एक मौका, एक से दो मौके तो जरूर मिलते हैं कहीं ना कहीं पहुंचने के, या तो वो जल्दी आ जाता है या वो लेट आता है। और एक अच्छा गुरु आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। Right. तो आपने बिल्कुल सही बात कही, गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेटवर्किंग yes. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। yes. वो yes. हमारा जरिया बनता है इंडस्ट्री में आने के लिए। आई नो कि यू नो यू ऑलवेज सेड कि म्यूजिक आपकी पैशन है, मतलब आप जब आपने अभी बोला जब मैं गाता हूँ मैं आंख बंद करके गाता हूँ, मुझे और कुछ यू नो पता नहीं चलता कि क्या है। तो व्हाट इज दैट यू एंजॉय मोस्ट अबाउट बीइंग अ म्यूजिशियन? ऐसे कोई पर्क्स मिलते हैं आपको जब आप म्यूजिशियन है? ओ लाइक कोई सुनता है कि ओ आप म्यूजिशियन हो, अक्षय म्यूजिशियन है, तो कुछ ऐसे पर्क्स मिलते हैं? अच्छा लगता है उनको जो भी जैसे एकदम से सुनता है ना, अच्छा गाते हो कुछ सुनाओ, तो मैं रेडी रहता हूँ कुछ भी सुनाने के लिए। और जैसे गिफ्ट मैं ऑलवेज रेडी फूड वैसे कुछ और ज्यादा पर्क्स मिलते हैं? सॉरी, ऐसे गिग्स पे अगर फ्री जो फ्री खाना वगैरह मिलता है वो सब भी मिलते हैं ऐसे कुछ पर्क्स? जैसे इंदौर में क्या होता है, आर्टिस्ट को कोई कभी किसी भी F&B के लिए मना नहीं करता है। यहाँ पर आर्टिस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसा मना नहीं करते। मतलब मैं आपको बताऊं ना कि एक टाइम ऐसा होता था कि लोग खुश होकर पैसे देते थे और कुछ मेरे को आज भी याद है, एक आंटी आए थे, उन्होंने मेरे ऐसे सर पे से पैसे उतार के उन्होंने मेरे सामने वाले पॉकेट में रखे थे, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी। तो ऐसा होता है, बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जी मतलब मैंने छोटे बच्चों से लेके लाइक 11 साल से गिटार सीखना स्टार्ट किया जा सकता है, मैंने वहां से लेके और मैंने 70 इयर्स तक के आंटी और अंकल को मैंने गिटार सिखाया है। मैंने एक ब्लाइंड स्टूडेंट को पियानो भी सिखाया है। ओके, वो जो मतलब वो इतना कैपेबल था कि अगर मैं म्यूजिक क्लास में मैं पियानो वाले रूम में एंटर कर देता था तो उसको पता चल जाता था और मुझे बोल देता था गुड इवनिंग अक्की भैया। तो ऐसा होता है। वाओ, ये बहुत अच्छा है, मतलब सिखाने में भी इतना एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। यस, और बहुत मजा आता है। जी, एक और गाना हो जाए हमारे लिए बिफोर वी साइन ऑफ फॉर द इंटरव्यू? जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली। रुक चुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रे क्यों तरसावे हो, मन सकन दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मानस ले वन पंगा जी मैं कह लगे, हमार हिवड़ा में जागी टोपनी वे चंदन थारी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे, जुम 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 हा, नैना मिलई के तोसे नैना मिलई के
नैना मिलई के तो से नैना मिलई के छाप तिलक सब चीनी रे तो से नैना मिलई के नैना मिलई के मोरे सपनों में आई के नैना मिलई के मोरे सपनों में आई के मतवारी कर दी रे तो से नैना ऐसे मुझे लग रहा था कि हम एक्चुअली यू नो किसी और जगह में घर में बंद नहीं है. वेरी वंडरफुल. वुड रियली लव टू हियर यू लाइव वंस. लेकिन जो लोग आपको लाइव नहीं देख सकते हैं वो डेफिनेटली आपके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और आपके इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं. राइट, हम बायो में डालेंगे. और प्लीज गो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए. ये बहुत ही वंडरफुल आप गाते हैं रियली. मेरा एक और मेरे कुछ एक दो सवाल बाकी रह गए तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ. ये जो इंडस्ट्री है आपकी, म्यूजिकल जो इंडस्ट्री है, क्या आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में? और अगर देखना चाहते हैं तो कौन से चेंजेस होंगे? मैं जो देखना चाहता हूँ, मतलब एज ए 90s किड मैं जिस म्यूजिक को समझता हूँ वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आज कम है. और बस यही है जो मैं जो जैसे सबको पता है टोनी कक्कर. सो ठीक है वो होगा आर्टिस्ट, बट वो जिस तरह से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं उसमें जो बाकी अच्छे आर्टिस्ट है ना उनको भी वैसी ग्रोथ नहीं मिल पाती है. Right. तो कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेट का भी एक दोष है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लोग ऐसी चीजों को ज्यादा ऐसी चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अच्छे म्यूजिक के अलावा उनको ऐसा नॉनसेंस टाइप का म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता है. और इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं अभी, जैसे विशाल मिश्रा है, अरमान मलिक है, बहुत से लोग हैं, अरिजीत के तो सब फैन है ही. ये एक ऐसी चीज है और कंसिस्टेंसी. इसी अगर आप कोई चीज करते हो ना तो आप उसको पूजो तो वो आपको वैसा रिस्पॉन्स देगा. आप अपने आप को ये सवाल में पूछना भी नहीं चाहती हूँ कि 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, because I don't think that is right. But आपकी goal क्या है? कुछ goal तो होगा कि I want to reach, you know, this place. तो अब वो goal क्या है आपकी? See, मेरा शुरू से एक ही goal था कि मुझे, जैसे मैं live shows देखता था ना सभी singers के, अच्छा बड़ा band है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा live singer बनूँ. मेरे खुद के ज्यादा नहीं, मेरे खुद के 5 गाने भी हिट हो जाए that's enough for me. और अदर देन दैट, मतलब अगर अर्निंग के सोर्स से देखा जाए तो मेरे को बिजनेस करने की भी इच्छा है. बट इनटू म्यूजिक अगर देखा जाए कि मैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो यही है कि मेरी खुद की एक अच्छी इवेंट इंडस्ट्री हो जो म्यूजिक में अच्छा काम करे, जो उन आर्टिस्ट को आगे लाए जिनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है. और वही है कि मेरे को लाइव शोज में ही जाना है, जब तक बोलते ना जब तक दंग गुर्दे है इसी में करना है जो भी करना है. बाकी अर्निंग के सोर्स तो दिमाग लगा के आदमी निकाल ही लेता है. एब्सोल्युटली, ये तो आपने बहुत सही बात कही. एंड इसी नोट पे आई थिंक वी कैन एंड आवर इंटरव्यू. यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड आई एम श्योर जो भी आर्टिस्ट होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा यार ये कोविड की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज इनको देखिए, इनके इंस्टाग्राम को देखिए. इन्होंने कंसिस्टेंसी जो उन्होंने बताई है, he has been so consistent and I think वो हमारी बिगेस्ट लर्निंग है इस पूरे इंटरव्यू से. तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच. हमारे लिए परफॉर्म करने के लिए भी थैंक यू. एंड वी रियली होप यू ग्रो और आपके 5 के आपके 10 गानों से भी ज्यादा हिट. थैंक यू.